हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास एक सैमसंग का J6 मॉडल आया जिसकी ऑन ऑफ स्विच टूटी हुई है। ये मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। आज हम इसे चेंज करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे चार्जिंग शो कर रहा है बट ये ऑन ऑफ स्विच यहाँ से अंदर दब चुकी है, अंदर ला स्विच टूट चुका है। चलिए हम पहले इसका फोल्डर बाहर निकालते हैं, ठीक है। फोल्डर निकाल कर हम इसे इसका स्विच जो ऑन ऑफ वाला वो पत्ता चेंज करेंगे सिंपली बटन के लिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने हीट की मदद से ये फोल्डर को बाहर निकाल लिया। हम फोल्डर को डिस्कनेक्ट करते हैं। ये पहले कॉपी फोल्डर है, ये देख सकते हो। चलिए हम इस फोन को ओपन करते हैं टूल की मदद से। ये देखिए दोस्तों, मैंने सभी नट उतार लिए हैं। सिम एडैप्टर को हम बाहर निकाल देते हैं और फ़ोन को उसकी मदद से ओपन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे बाहर निकाल लिया है पर हमारा काम यहाँ पे है। ये देखिए, यहाँ पे ये पत्ता लगा हुआ है पूरी। हम इसे बाहर निकालते हैं। हम आराम से इसे निकालेंगे, कहीं ये ब्रेक ना हो जाए, क्योंकि हमें इसका सिर्फ स्विच चेंज करना है। ये देखिए दोस्तों, ये स्विच टूटा हुआ है यहाँ से। अगर हमारे पास पत्ता अवेलेबल है तो हम पत्ता डाल देंगे, नहीं तो नॉर्मल हम स्विच चेंज ही करेंगे। हम असेंबली की मदद से इसे स्विच को रिमूव करेंगे। ये देखिए दोस्तों, सिंपली हमने स्विच रिमूव कर दिया। चलिए दोस्तों, हम नया स्विच निकालते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक नया स्विच निकाला। चलिए हम थोड़ा सा इस पे पेस्ट लगाते हैं पहले। देखिए दोस्तों, हमने ये स्विच नया लगा दिया है यहाँ पे। चलिए हम इसे चेक करते हैं। हमारा बाहरला स्विच तो काम करने लग गया। ये हम नया यही डिस्प्ले लगा के देखते हैं।
ये देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रॉपरली ऑन हो चुका है। ये मॉडल J6 है, पर शायद सॉफ्टवेयर की वजह से ये ON6 शो कर रहा है। यहाँ पे J600 पूरा लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, हमारा ये प्रॉपरली सॉल्व हो चुका है। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा कर रखें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।